ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर क्लास. आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा. हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज बॉयलर ट्रबल. बॉयलर ट्रबल के अंदर हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था, दैट इज प्राइमिंग, फॉर्मिंग एंड कैरी ओवर कम्प्लीट कर लिया था. और यस्टरडेज क्लास वी कम्प्लीटेड बॉयलर करोजन कम्प्लीट किया था. बॉयलर करोजन के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी थी बेटा? बॉयलर करोजन किसकी वजह से होता है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ करोजन? करोजन इज अ डीके और डीकम्पोजिशन ऑफ बॉयलर मटीरियल ड्यू टू इट्स एनवायरमेंटल कंडीशन. केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती हैं जिसकी वजह से बॉयलर का मटीरियल क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है, डीके होने लगता है, डीकम्पोज हो जाता है. दैट इज कॉल्ड बॉयलर करोजन. बॉयलर करोजन जो है वो डिफरेंट रीजन से हो सकती है. मे बी सम ऑफ द जो वाटर हम लोग बॉयलर के अंदर यूज कर रहे हैं उसके अंदर डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस है लाइक डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या फिर मिनरल एसिड की प्रेजेंस है. इन सभी केसेस के अंदर क्या होता है बेटा? करोजन जो है वो इनहेंस होता है, करोजन को प्रमोशन मिलती है. और एज वेल एज गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन यदि होता है तो उसके अंदर भी क्या होता है बेटा? करोजन होता है. बॉयलर मटीरियल जो है डीके डीकम्पोजन स्टार्ट कर देता है. तो इसको हमने कल डिस्कस किया था. फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो अभी अच्छा गैल्वेनिक सेल रह गया था हमारा. गैल्वेनिक सेल के अंदर ये होता है बेटा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा था. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर एक कपल जो था, एक हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने कॉपर और जिंक दोनों का कॉम्बिनेशन करते थे. कॉपर और जिंक के अंदर जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग सीरीज के अंदर मेटल्स को जमाया जाता है कि कौन कितना जल्दी ऑक्सीडेशन करता है. जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत अच्छा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा और ऑक्सीडेशन करेगा एज रीजिंग एजेंट काम करेगा. तो हमारे पास में जो सीरीज में ऊपर की तरफ आता है वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है. जो नीचे की तरफ आता है वो क्या करता है? रिडक्शन करता है. जब हम लोग जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं, किसका कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं हम लोग? जिंक का और कॉपर का हम कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं. इसके अंदर गैल्वेनिक सेल कपल के अंदर, दिस इज द बेस्ट गैल्वेनिक सेल कपल जिसके अंदर हम लोग मतलब स्टडी करते हैं. तो इसके अंदर क्या होता है? द मेटल विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्किंग एज अ एनोड, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो एनोड की तरह काम करने लगता है. और जो एनोड की तरह काम करता है उसके ऊपर क्या होता है बेटा? उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाता है. और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? ड्यूरिंग द रिएक्शन कोरोड हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाता है. जबकि अदर मेटल जो साथ में जुड़ा होता है वो क्या हो जाता है? कैथोड की तरह बिहेव करने लगता है. लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से कैथोड की तरह बिहेव करने लग जाता है और उसके ऊपर रिडक्शन होता है. रिडक्शन होता है दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या ये कहें कि जो कैथोड के ऊपर पार्ट है वो सेव हो जाता है. तो जनरली जिस मेटल को हमको सेव करना होता है उसको हम कैथोड बना देते हैं, जिसकी वजह से वो जो मेटल है जिसको प्रोटेक्ट है वो प्रोटेक्ट कर पाए. तो गैल्वेनिक सेल कपल्स बनने की वजह से भी क्या होता है? वो मेटल जिसको हमको मतलब जो क्रूड नहीं होना चाहिए वो भी क्रूड हो जाता है बॉयलर मटेरियल्स के अंदर. कि दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दो डिफरेंट मेटल्स मिल गए जिनके इलेक्ट्रो पोटेंशियल का डिफरेंस, गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन हो जाती है. और गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन होते ही क्या हो जाएगा बेटा? एक एनोड एक कैथोड हो जाएगा. जब एक एनोड एक कैथोड हो गया तो उस कंडीशन के अंदर आप क्रोजन को नहीं रोक सकते, उस कंडीशन के अंदर क्रोजन होगा ही होगा. तो ये हमारे पास में गैल्वेनिक सेल कपल के बारे में. इसको हम और ब्रीफ के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कोरोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैं आपको समझाऊंगी. अभी केवल इतना ध्यान रखें, गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर द बॉयलर कोरोजन. और उसके अंदर केवल एक गैल्वेनिक कपल का एग्जाम्पल आप दे दें. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर डूइंग दैट इज अ कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट. कास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? कास्टिक का नाम आप पहले भी सुन लिया है, ऐसी बात है कि कास्टिक आज पहली बार सुना है. कास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा का नाम सुना है? दैट इज अ कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा है. दैट इज NaOH. यहाँ पे मैंने NaOH लिख दिया है. दिस NaOH रिप्रेजेंट्स द कास्टिक. और एम्ब्रिटलमेंट का मतलब क्या हुआ? द मटीरियल बिकम्स फ्रजाइल इन नेचर. जो मटीरियल है वो क्या हो जाता है? फ्रजाइल हो जाता है. फ्रजाइल, आपने कभी ग्लास आर्टिकल्स देखे हैं बेटा? ग्लास आर्टिकल्स के ऊपर लिखा होता है हैंडल विथ केयर बिकॉज दे आर फ्रजाइल. फ्रजाइल मतलब टूटने लायक हो जाते हैं, टूटने जैसे मटेरियल हैं. तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में? कास्टिक के एक्यूमुलेशन की वजह से, इस NaOH के एक्यूमुलेशन की वजह से
जो बॉयलर का मटेरियल है वो क्या हो जाता है, फ्रजाइल हो जाता है या बिकम ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट बोलते हैं। द डेफिनेशन इज, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, लुक ऑन द बोर्ड, द प्रोसेस इन विच द बॉयलर मटीरियल बिकम्स ब्रिटल, ब्रिटल मतलब फ्रजाइल, टूटने जैसा, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, डिपोजिशन भी लिखा हुआ हो सकता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ कास्टिक सब्सटेंस, कास्टिक सब्सटेंस की वजह से, कास्टिक सब्सटेंस की एक्यूमुलेशन डिपोजिशन की वजह से बॉयलर मटेरियल का क्या हो जाना, फ्रजाइल हो जाना, ब्रिटल हो जाना, क्या कहलाता है, कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट कहलाता है। इफ विल गो फॉर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम देखना चाहें तो कैसे होता है, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास में सॉफ्टनिंग मेथड्स होते हैं, सॉफ्टनिंग मेथड्स परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था लाइम सोडा, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं, और सम अभी हम नेक्स्ट सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर वाला टॉपिक लेंगे, उसके अंदर और क्लियर करूंगी कि हम बार बार कई जगह पर क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं एज अ सॉफ्टनिंग एजेंट, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम Na2CO3 को यूज करते हैं, सोडियम के जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी तरह की क्रोजन नहीं, मतलब किसी भी तरह का हार्डनेस पानी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, सोडियम के जो सॉल्ट हैं, सोडियम कार्बोनेट जो है, जो इजीली अवेलेबल होता है, चीप होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट के फॉर्म के अंदर, कंडीशनिंग एजेंट के फॉर्म के अंदर भी कई बार इसको यूज किया जाता है। अब जब इसको पानी के अंदर मिलाया जाता है तो पानी के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स NaOH, NaOH बन जाता है, NaOH बनते क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा इंट्रोड्यूस हो गया बॉयलर वाटर के अंदर, बॉयलर वाटर के अंदर जैसे ही इंट्रोड्यूस हो गया तो ये किसका कॉज बनेगा, ये कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट का कारण बनेगा। अब कैसे होता है, तो विल गो फॉर अ फिगर, ये हम एक फिगर देखते हैं, इस फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। दिस इज अ सर्फेस ऑफ बॉयलर, बॉयलर की सर्फेस ले ली है मैंने, बॉयलर की सर्फेस के अंदर एक्चुअली क्या होता है, वो लगातार गर्म करते रहते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, हल्के हल्के उसके अंदर अनइवननेस, इरेगुलरिटी आ जाती है बॉयलर की सर्फेस के अंदर, जहां पे भी बॉयलर की सर्फेस के अंदर इरेगुलरिटी आ गई, सपोज टू बी दिस इज इरेगुलरिटी और क्रैक आ गया या अनइवननेस आ गई, दिस इज एरिया बॉयलर की सर्फेस के अंदर, एक ऐसा एरिया यहाँ डेवलप गया है जिसके अंदर अनइवननेस है, ठीक है, इस अनइवननेस वाला एरिया जो है वो किसके तरह बिहेव करने लग जाता है, वो एनोड की तरह बिहेव करने लग जाता है, जबकि प्लेन सर्फेस जो होती है पूरी की पूरी, बॉयलर की इनर सर्फेस जो होती है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाती है बेटा, कैथोड की तरह। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, हल्का सा क्रैक हो गया, यहाँ पे NaOH को डिपोजिशन की स्पेस मिल गई, तो यहाँ पे NaOH आके क्या हो जाएगा बेटा, NaOH इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, जब NaOH इस जगह के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा या डिपोजिट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे NaOH की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, NaOH की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जब इस एरिया के अंदर NaOH की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी और रेस्ट ऑफ पार्ट जो प्लेन सर्फेस थी वहां पे NaOH क्या हो जाएगा, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होएगा, बट नेचुरल है, तो यहाँ पे अपने पास में रेस्ट ऑफ पार्ट जहाँ जहाँ पे डाइल्यूट NaOH है और दूसरा जो एरिया है जो कि क्रैक के अंदर है वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, तो यहाँ पे दो एरिया डेवलप हुए, जब भी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आ जाता है और दो एरिया डेवलप हो जाते हैं, उस केस के अंदर हमेशा सेल फॉर्मेशन हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और सेल फॉर्मेशन होता है, क्रोजन स्टार्ट हो जाता है, मटीरियल जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे ये जो दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस करोजन, ये क्या है बेटा, एक तरह की स्ट्रेस करोजन है। स्ट्रेस करोजन का मतलब क्या हुआ, जनरली क्या होता है, लाइक वो एरियाज जहाँ पर बेंट आ गया, रिवेट्स आ गए, जॉइंट्स आ गए, जहाँ पे हम लोगों ने, जहाँ पे स्ट्रेस एरिया है, जो ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस वाला एरिया है, उस एरिया के अंदर क्या होता है, जनरली ये NaOH जाके क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसे ही ये NaOH जाके वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन NaOH एरिया बन जाता है और किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, एनोड की तरह। रेस्ट ऑफ पार्ट जो है बॉयलर का वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह। बात समझ में आ रही है सभी को। अब ये जो अपने पास में एरिया था जो कि एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, इनर वॉल ऑफ बॉयलर के अंदर ये क्या करता है, हेयर लाइक क्रैक्स चला देता है। ये हेयर लाइक क्रैक्स बनाया मैंने, ये हेयर लाइक क्रैक्स जो होते हैं वो बॉयलर की इनर वॉल के अंदर, पूरी की पूरी बॉयलर वॉल के अंदर फैल जाते हैं और क्या करते हैं, NaOH को धीरे 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 बॉयलर की अंदर वॉल के अंदर सब तरफ फैला देते हैं।
जिसकी वजह से बॉयलर क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। हम लोगों को ये हेड आई क्रैक्स जो है वो नॉर्मल नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमको तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, बॉयलर इज ओके, बॉयलर ठीक काम कर रहा है, तो हम लोग टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करते चले जाते हैं, जितना हमें चाहिए उतना देते जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बॉयलर के एक्सप्लोजन के या बर्स्टिंग के चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। और मेनी ऑफ वन ऑफ द केस ऑफ माय कोलीग जो पीआई के अंदर काम करते थे, उनके साथ में एक केस हुआ भी था बेटा। पीआई के अंदर बॉयलर के अंदर पानी उबल रहा था और उस बॉयलर की बहुत दिनों से टेस्टिंग नहीं हुई थी, लास्ट 15 डेज से कुछ टेस्टिंग नहीं हुई थी, और वो बॉयलर फट गया। उनका पूरा फेस, उनका ये नेक वाला एरिया और हैंड्स जो थे पूरे के पूरे जल गए, चमड़ी जो है पूरी खराब हो गई उनके। इवन प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी वो सही नहीं हुई है। अभी भी मेरे साथ में जितेंद्र वर्डिया करके नाम है उनका, डॉक्टर जितेंद्र वर्डिया। तो ये जो चीजें हैं ये हम लोगों को कास्टिक एम्बटलमेंट है, ये हेयर लाइक क्रैक जो है कैपिलरी एक्शन की वजह से बॉयलर की पूरी वॉल के अंदर अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये एनोड और कैथोड दो एरियाज डेवलप हो जाते हैं और कैपिलरी एक्शन की वजह से पूरी की पूरी बॉयलर वॉल को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड कास्टिक एम्बटलमेंट। If we'll go for chemical equations, okay, which chemical equations are laid out here? तो जो आयरन वाला एरिया होता है हमारे पास में, कॉन्सेंट्रेटेड एनएच के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सोडियम फेरोइड बना लेता है। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है बेटा पूरा? हाँ इशिता, दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड कंप्लीट? रिया, हर्षल, ओके बेटा, ठीक है। ओके डन, स्टार्ट करें इसको, केमिकल इक्वेशंस को बताएं आपको। अभी केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम देखें तो आयरन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एनएच के साथ में रिएक्ट करता है। जैसे ही वो रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, Na2FeO2 बना लेता है, दैट इज अ सोडियम फेरोइड। ये क्या होता है बेटा, सोडियम फेरोइड होता है। सोडियम फेरोइड जो बन गया, एक बार ही सोडियम फेरोइड बन गया तो क्या करता है, एनएच को बार बार इंट्रोड्यूस करता चला जाता है। कैसे करता है, ये सोडियम फेरोइड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तीन मॉलिक्यूल्स जिदी वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो दे अगेन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, ये यहाँ पर ये एनएच प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले तो हमारे पास में एनएच का एक ही मॉलिक्यूल था, बट अब कितने आ गए हमारे पास में, 6 मॉलिक्यूल्स आ गए। फर्दर यदि हमारे पास में मोर फेरोइड जनरेट हो गया, उसने और अपने पास में ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर दे प्रोड्यूस 12 मॉलिक्यूल ऑफ एनएच। तो इन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो एनएच है ये एनएच बार बार इंट्रोड्यूस चला जाता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर क्या होता है, एनएच की कंसेंट्रेशन जो है वो बार बार क्या होती चली जाती है बेटा, बढ़ती चली जाती है। जब एनएच की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होएगा, बट नेचुरल है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट होएगा, एक्यूमुलेशन स्टार्ट होएगा तो कास्टिक एम्बटलमेंट होएगा। तो हमारे पास में जो सोडियम फेरोइड है वो नहीं बनना चाहिए, बनता है तो वो क्या करता है, कास्टिक एम्बटलमेंट को एनहेंस करता है। If you want to dictate, you can dictate this complete, then हम इसके आगे पढ़ते हैं बेटा, फटाफट से डिक्टेट कर लें आप इसको। समझ में आ गया है सभी को, प्लीज राइट डाउन इन योर चैट। मैम ये कास्टिक एम्बटमेंट समझ में, क्या लिखा है समझ में नहीं आया, साहिल आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। नहीं मैम, ठीक है ओके। कास्टिक एम्बटलमेंट क्या होता है, कास्टिक का मतलब है एनओएच, पानी के अंदर जब भी एनओएच आ जाएगा, एनओएच आने की वजह से क्या होता है, वो एनओएच जो भी अनइवननेस होती है बॉयलर की इनर वॉल है, इनर वॉल के अंदर क्या होता है बेटा, इनर वॉल है बॉयलर की, इनर वॉल पे क्या होता है हमारे पास में, कहीं ना कहीं इरेग्युलरिटी होती है, अनइवननेस होती है। सपोज टू बी दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट बॉयलर इनर वॉल, इनर वॉल का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, यहाँ पे अनइवननेस आ गई। जैसे ही अनइवननेस आ गई तो जो एनओएच हमारे पास में, यहाँ पे कंडीशनिंग एजेंट वाटर, वाटर हार्ड होता है बॉयलर में डालने से पहले हमारे पास में कंडीशन होती है कि उसको सॉफ्ट करना है, सॉफ्ट करने के लिए हम कंडीशनिंग एजेंट्स यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं तो ये वाटर के साथ में रिएक्शन कर वाटर को सॉफ्ट तो कर देता है बट एल्केलाइन कर देता है, किसकी वजह से, एनओएच के फॉर्मेशन की वजह से। जैसे ही बॉयलर का वाटर एल्केलाइन हो गया तो यहाँ पे जो ये एनओएच बना है
वो क्या होता है, बॉयलर की इनर वॉल के अंदर जहां पर भी अनइवननेस है, इरेगुलरिटी है, जहां पे भी हल्का भी तड़ आ गया है, क्रैक आ गया है, उस कंडीशन के अंदर, उस क्रैक के अंदर वो क्या होता है, एनवेयर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। जब वो डिपोजिट हो जाता है तो कैपिलरी एक्शन की वजह से बॉयलर की पूरी वॉल के अंदर हेयर लाइक क्रैक्स चला देता है। हेयर लाइक क्रैक्स चला के पूरी की पूरी बॉयलर वॉल को क्या कर देता है, वो कमजोर कर देता है, फ्रजाइल कर देता है। क्यों? कि पतले पतले जो हेयर लाइक क्रैक्स चलते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हैं नॉर्मली। इवन कई बार माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखा जाए टेस्टिंग के अंदर, तो वो भी नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, बॉयलर की इनर वॉल जो होती है पूरी की पूरी क्या हो जाती है बेटा, वो कमजोर हो जाती है, फ्रजाइल हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। तो जब टेम्परेचर प्रेशर दिया जाता है, कब? स्टीम के जनरेशन के लिए। बॉयलर किसके लिए यूज करते हो? स्टीम जनरेशन के लिए यूज करते हो ना भाई। तो जब स्टीम जनरेशन के लिए बॉयलर को यूज करते हो तो टेम्परेचर प्रेशर को जैसे ही बढ़ाओगे तो बढ़ते क्या होता है, जो हेयर लाइक क्रैक्स चल गए हैं कैपिलरी एक्शन की वजह से बॉयलर की इनर वॉल के अंदर, वो क्या करेंगे, इस प्रेशर और टेम्परेचर को बियर नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर बॉयलर क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, एक्सप्लोजन इन द बॉयलर इज कैर्ड आउट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कास्टिक एम्बिटलमेंट। ये किसकी वजह से हो रहा है? कास्टिक के बनने की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक एम्बिटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ केमिकल इक्वेशन विच इज कैर्ड आउट है। यहाँ पे जो आयरन है वो एनएच के साथ में जब रिएक्शन करता है, जो एनएच बना ना हमारे पास में, ये आयरन का जो मटेरियल, जो बॉयलर के अंदर पोर लगे होंगे, बैंड्स लगे होंगे, जहाँ पे भी रिवर्ट्स होंगे, तो वहां पे आयरन का आर्टिकल यूज किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो सोडियम फेरोइड बना लेगा। ये सोडियम फेरोइड फर्दर क्या करता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके एनएच को फर्दर जनरेट करता है। ये एनएच फर्दर जनरेट होता है तो ये क्या करता है, कास्टिक एम्बिटलमेंट को और एनहेंस करता है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक रस्ट बनती है, ब्लैक रस्ट को हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। और जब यहाँ पर अपने पास में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है तब हमारे पास में मैग्नेटाइट बनता है, ब्लैक रस्ट बनता है, दैट इज अ ब्लैक रस्ट। क्लियर बेटा, समझ में आया सभी को? प्लीज राइट डाउन इन चैट। मैम एग्जाम में बॉयलर ट्रबल का क्वेश्चन किस टाइप का आता है? ओके दीपक, लिसन, बॉयलर ट्रबल के लिए मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, दैट इज अ डिफाइन बॉयलर ट्रबल्स। हमारे पास में एक बिग क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर भी आता है और कई बार ये बी सेक्शन के अंदर, ए सेक्शन के अंदर भी आता है। इसके चांसेस कम होते हैं सी सेक्शन के अंदर आने की। सी सेक्शन दैट मीन्स द सेक्शन इन विच यू हैव टू राइट डाउन इन डिटेल। बड़ा क्वेश्चन जो होता है उस फॉर्म के अंदर ये क्वेश्चन कम आता है। वो कब आएगा बड़े क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर, कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑफ फॉलोइंग्स, चार या पांच दिए हैं उसके अंदर किसी एक पर लिखना है हमको। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बॉयलर ट्रबल जो है, पहले हमें पता होना चाहिए बॉयलर ट्रबल सपोज टू बी इट इज इन ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर वो सीधा यही पूछेगा, वॉट इज बॉयलर ट्रबल, what you understand by scale and sludge, what is the definition of caustic embrittlement, boiler corrosion, define the boiler corrosion, something like इस तरह के questions जो हैं वो A part में बनते हैं। But it is यदि B part के अंदर आया तो B part के अंदर वो पूछ सकता है कि what is the boiler trouble, explain in brief all the troubles। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें बॉयलर ट्रबल की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। बॉयलर ट्रबल का मैंने कल एक फिगर बनाया था, बॉयलर ट्रबल चार तरीके की होती है करके, तो चारों हम एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। उनकी डेफिनेशन देने के बाद में एक एक कॉज और एक एक प्रिवेंशन हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज बी पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिख सकते। तो हमको क्या करना है, उसको शॉर्ट नोट करके ए पार्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो 25 वर्ड्स का लिखोगे, बी पार्ट में जो क्वेश्चन आएगा उसको हमको क्या करना है, आधा पेज कवर करना है, हाफ एंड हाफ पेज या 10-12 लाइंस जो होती है कवर करके हमको लिखनी होती है। 3-4 लाइंस करनी होती है हमें ए पार्ट के अंदर, 10-12 लाइंस करनी होती है, 10-15 लाइंस हमें कंप्लीट करनी होती है किसके अंदर बेटा, बी वाले पोर्शन के अंदर। और सी वाले पोर्शन के अंदर एटलीस्ट 2-2.5 पेजेस जो होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट। ठीक है, तो हमारे पास में जब ये आएगा, यदि उसने पूछ लिया कास्टिंग एम्बिटलमेंट क्या है, तो उसको हम कैसे कवर करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑन द डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में उसका कॉज लिखोगे, इफेक्ट लिखोगे कि वो किसकी वजह से होता है, उसका कॉज क्या है, कैसे होता है। इफ देयर इज केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन यदि आपके पास में है तो यू शुड मेंशन द केमिकल इक्वेशंस आल्सो ओवर देयर।
एंड आफ्टर यू हैव टू राइट इन द प्रिवेंटिव मेजर्स कि उसे कैसे बचा जाएगा। अब इसमें से कोई सा भी टॉपिक पूछ ले, प्राइमिंग फॉर्मिंग कैरियर पूछ ले, स्केल सर्च पूछ ले, कास्टिंग एम्बिटमेंट पूछ ले या बॉयलर कोरोजन पूछ ले, एनी वन ऑफ टॉपिक यदि आपको पूछा जाता है, बिकॉज सारे के सारे एक साथ में वो नहीं पूछेगा, ठीक है। सम वॉट कुछ ना कुछ पोर्शन निकाल के पूछेगा क्योंकि इट इज अ बिग क्वेश्चन, तो इतना बड़ा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा सिलेबस इज वेरी वास्ट इन केमिस्ट्री, लेंदी सिलेबस है, तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी होते हैं जो बनते हैं इसके सिवाय, तो ये हमेशा शॉर्ट नोट की फॉर्म के अंदर आएगा। तो हमें ये तीन पॉइंट्स कवर करते हुए सारी बॉयलर कोरोजन सॉरी बॉयलर ट्रबल्स को क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है इन शॉर्ट नोट। क्लियर, इट इज ओवर, हम चले आगे। ये क्लीन कर दूं मैं, बोर्ड से इरेज कर दूं मैं। ओके बेटा, चलो इसे इरेज कर रहे हैं, समझ में आ गया। अभी कास्टिंग एबिलिटी फेवरेबल कंडीशंस, देखो हमने डेफिनेशन लिख दी, हमने कॉज लिख दिया, बाय फिगर भी इसको एक्सप्लेन कर दिया। अभी फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं जो कोरोजन को एनहेंस करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो फॉर्मेशन होता है, मैंने बताया ना यहाँ पे एक एनोड बन गया, कैथोड बन गया, तो जो एनोड कैथोड बना तो उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा होता है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्मेशन हुई है वो सेल कैसी बनती है, तो इस सेल को हम देखें तो दिस इज अ, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम कि बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, एक यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, एक यहाँ होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास में डाइल्यूट NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो डाइल्यूट के पास वाला किसके तरह बिहेव करने लग जाता है, क्या कैथोड की तरह बिहेव करता है, इज द नेगेटिव टर्मिनल, एंड जो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया के पास होता है किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, कैथोड एनोड की तरह। कॉन्सेंट्रेटेड के पास वाला किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है बेटा, इसको अब एक्सप्लेन नहीं कर रही मैं, कि जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है दोनों तो एक दूसरे सेपरेट हो जाते हैं तो उसको सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। अब हमारे पास में जो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, दैट मीन्स ये कौन सा एरिया था बेटा, यहाँ पे क्या क्या था हमारे पास में, एनोड वाला एरिया जो था वो कौन सा था, जॉइंट्स आ गए, रिवेट्स आ गए, बैंड्स आ गए, ये सारा जो एरिया था वो कौन सा था हमारे पास में, हाई स्ट्रेस एरिया था, क्या था बेटा, हाई स्ट्रेस एरिया, वो एरिया जहाँ पे स्ट्रेस क्या था बेटा ज्यादा था, जो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जहाँ पे अनइवननेस डेवलप हो रही थी, जहाँ पे हमारे पास में इरेगुलरिटी डेवलप हो रही थी, वो जो एरिया था वो क्या था हमारे पास में, ये जॉइंट्स है, रिवर्ट्स है, बैंड्स है, हाई स्ट्रेस एरिया था जो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के पास में था। अब ये अपने पास में क्या है बेटा, एनोड एरिया है, तो एनोड के ऊपर बट नेचुरली क्या होता है बेटा, एनोड, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, क्योंकि जब मैं आपको कोरोजन चैप्टर कराऊंगी बेटा तो कोरोजन वाले चैप्टर के अंदर ये चीजें बार बार आएंगी, तो मेक अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना कि हमारे पास में एनोड जो होता है उसके ऊपर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गएगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहां पे क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, यदि हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखें तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहते हो आप नॉर्मली, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हम क्या कहें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये कहते हैं हम लोग, या फिर हम ये कह सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉनिक वे में कहें तो पॉजिटिव चार्ज का मेटल आयन पे बढ़ जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, क्या कहें कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, जब मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, सपोज टू बी देयर इज आयरन, तो आयरन जब अपने पास में Fe+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है थ्रू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या था बेटा, चार्ज जीरो था, यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, या मैं कहूँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना है, जो एनोड एरिया होता है उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एरिया होता है और ये ऑक्सीडेशन करता है,
ठीक है, अब जिस पे ऑक्सीडेशन होता है तो बट नेचुरल है, वो मेटल से मेटल आयन की जो हम्म, बन रहा है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, या हम ये कहें ये कंज्यूम्ड हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा, खच जाएगा, खत्म हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। जबकि कैथोड, कैथोड वाला एरिया कौन सा होता है, प्लेन सरफेस। यदि हम लोग इस वाले केस के अंदर देखें तो बॉयलर के अंदर जितनी भी प्लेन सरफेस अवेलेबल थी, जो डाइल्यूट एनएच के साथ में थी, वो क्या थी हमारे पास में, कैथोड एरिया था। अभी कैथोड एरिया था तो यहाँ पे क्या होएगा, बट नेचुरल है, रिडक्शन होएगा, रिडक्शन होएगा, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, सेव्ड हो जाएगा, ये पार्ट सेव रहेगा, बट जो एनोड वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पे भी बॉयलर के अंदर हेयर लाइक क्रैक्स चलते हैं, हेयर लाइक क्रैक्स चलने की वजह से वो एरिया जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एनओएच एक्यूमुलेट हो गया है, वो क्या हो जाते हैं बेटा, खच जाते हैं, कंज्यूम्ड हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं, और बॉयलर जो होता है वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। ये समझ में आया, इसको एक और तरीका है याद रखने का, जो आपको शायद 12th क्लास के अंदर आपके टीचर से समझाया गया होगा। ABCDM में आती है अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर, एनोड पहले आएगा, कैथोड बाद में आएगा। ए सी, ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड, ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड। ए के बाद में यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये क्या होता है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ए इसको पूरा लिखूं मैं, ये देखो जब हमारे पास में एनोड एरिया है, दूसरा क्या होता है, कैथोड एरिया। एनोड एरिया क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जबकि ये क्या होता है हमारे पास में, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ए पहले आता है, सी बाद में आता है, बी पहले आता है, एन बाद में आता है, ये क्या हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और उधर क्या होता है हमारे पास में, रिडक्शन होता है। अगेन ओ पहले आता है, आर बाद में आता है, फिर हम देखें दिस इज द ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये क्या हो जाता है, कंज्यूम्ड हो जाता है, डीके और डिकम्पोज हो जाता है, जबकि कैथोड पे जो होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास में, सेव्ड हो जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है हमेशा, ये चीजें आप ध्यान रखोगे ना तो जो कोरोजन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको, कोरोजन वाला चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिमाग में बिल्कुल ये चीजें आपको क्लियर रखनी है, ये चीजें क्लियर रखते ही आपको टेंशन कम हो जाएगी, ठीक है। कि एनोड जो होता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, वो ज्यादा पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, वो रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन करेगा, तो बट नेचुरली वही कंज्यूम होएगा, वही मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट होएगा और सोल्यूशन में जाएगा, तो धीरे धीरे वो पूरा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, जबकि ये क्या हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। इफ यू वॉन्ट टू डिक्टेट राइट डाउन, फटाफट से लिख लें आप लोग बेटा, फिर फेवरेबल कंडीशंस एंड प्रिवेंशन की बात करते हैं, फटाफट से टॉपिक कवर करें अपन, लिख लिया आप लोगों ने बेटा सभी ने, कैन वी गो फॉर फर्दर, चले आगे। ओके राज्यवर्धन फटाफट से लिखो बेटा, ओके तब तक जिन्हों का हो गया है वो दिमाग में सोचें कि फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, क्लासिक एम्बेडमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, एंड राइट डाउन योर कॉपी व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर क्लासिक एम्बेडमेंट, अपनी कॉपी के अंदर कोशिश करो, सोचो, दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस दो और सोचो कि क्या कंडीशंस हो सकती है जिसके अंदर क्लासिक एम्बेडमेंट जो है वो ज्यादा होता है। इसको रेस कर रही हूँ मैं, फेवरेबल कंडीशंस लिख रहे हैं हम लोग, रेस कर रही हूँ मैं, ओके विल गो फॉर फेवरेबल कंडीशंस। अब फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं हमारे पास में, पानी का पीएच क्या है, पहली कंडीशन पीएच हाई है, हाई है मतलब क्या हुआ बेटा, पीएच क्या है हमारे पास में, एल्केलाइन है, बेसिक है, ठीक है, बेसिक मीडियम इज अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, वो एनहेंस करेगा किसको, कास्टिक एम्बिटलमेंट को, क्या करेगा, हाई एल्केलिनिटी है या हाई बेसिक मीडियम अवेलेबल है या पीएच ज्यादा है, ये सारी कंडीशंस क्या करती हैं, ये कोरोजन को, ये कास्टिक एम्बिटलमेंट को, कोरोजन दोनों को ही एनहेंस करती है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ द कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ द
लाइक सिलिकेट्स, कंपाउंड्स लाइक सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, दिस इज सोडियम सिलिकेट, ये क्या करता है, कोरोजन को एनहेंस करता है, ये मोर एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। यदि हमारे पास में और क्या था हमारे पास में, इफ अ बॉयलर मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू हाई स्ट्रेस, इफ बॉयलर मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू हाई स्ट्रेस, यदि स्ट्रेस एरिया ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी क्या होएगा बेटा, प्लास्टिक एम्बेटलमेंट क्या होएगा, एनहेंस हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और सोचो और क्या हो सकता है अपने पास में, स्ट्रेस एरियाज कौन से होते हैं, मोर स्ट्रेस एरियाज, मोर स्ट्रेस एरियाज लाइक जॉइंट्स बहुत सारे हैं, रिवेट्स बहुत सारे हैं, या हम लोग बैंड्स बहुत सारे हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, दे ऑल्सो एनहेंस द कास्टिक एम्बिटलमेंट, ये सभी क्या करते हैं, कास्टिक एम्बिटलमेंट को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। और क्या हो सकता है, बस फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ NaOH, और यू कैन राइट डाउन एक्यूमुलेशन ऑफ NaOH, एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ NaOH is the reasons for plastic embrittlement, high NaOH or accumulation of NaOH, इन सभी की वजह से क्या होगा, कैपिल रिएक्शन ज्यादा होएगा तो कोरोजन क्या हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा। नाउ प्रिवेंशन, अभी प्रिवेंशन हमने फेवरेबल कंडीशंस लिखी, इसका उल्टा लिख दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, प्रिवेंशन आ जाएगा। चलो वी हैव टू राइट ऑन द प्रिवेंशन मेथड्स, इफ वी हैव टू राइट ऑन द प्रिवेंशन मेथड्स, प्रिवेंशन के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, पहला क्या कंडीशन आ रही है, एल्केलाइन मीडियम, हम क्या करें, एल्केलाइन मीडियम को कम कर दें बाय मेंटेनिंग द पीएच, हम पीएच को मेंटेन करें, मेंटेन पीएच, जनरली पीएच जो है वो अप टू 8 or 9 के इनबिटवीन रखना चाहिए, जिसकी वजह से पानी के अंदर कास्टिक एम्बिटलमेंट जो है वो कम हो जाता है, मेंटेनिंग पीएच, मेंटेन पीएच, ठीक है। और दूसरा, जब भी हल्के से क्रैक्स हैं, अनइवननेस है, तो वहां पे हम लोग कुछ मटेरियल को फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अनइवननेस जो है खत्म हो जाए, तो द मटेरियल विच वी आर यूजिंग इज टैनिन हो सकता है हमारे पास में, लिग्निन होता है जो हम लोग यूज करते हैं, टैनिन, लिग्निन, सोडियम सल्फेट होता है हमारे पास में, शुड बी फिल्ड इन हेयर लाइक क्रैक्स जो है उसके अंदर इसको फिल कर दिया जाए, फॉर प्रिवेंटिंग पेनिट्रेशन ऑफ, इसके लिए फॉर Preventing penetration of NaOH, or stopping capillary action को रोकने के लिए हम क्या करें, डेवलप ही नहीं होने दें एनोड एरिया, एनोड एरिया कब डेवलप नहीं होगा, जबकि अनइवननेस और क्रैक्स नहीं हो, अनइवननेस और क्रैक्स नहीं होंगी तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एनोड एरिया डेवलप नहीं होगा, जब एनोड एरिया डेवलप नहीं होगा, एनोड एरिया डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं हम लोग, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोरोजन क्या हो जाएगा बेटा, बट नेचुरल है वो कम हो जाएगा, कास्टिक एम्बिटलमेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कोरोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कास्टिक एम्बिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस कोरोजन, ओके। और क्या हो सकता है, अब क्या हो रहा है, एल्कलाइन मीडियम ज्यादा हो रही है, एल्कली ज्यादा हो रहा है, तो एक्सेस एल्कली बनती है, क्या करते हो, ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा बताओ, एक्सेस यूज ऑफ Na2CO3 शुड बी अवॉइडेड, यदि हमारे पास में एक्सेस यूज कर रहे हो आप, इसका एक्सेस यूज ऑफ Na2CO3 शुड बी अवॉइडेड
इसकी वजह से हो रहा था ना, एंटोक्सिटी की वजह से। इसको क्या करो, अवॉइड करो, इसको यूज मत करो। इसकी जगह एक और होता है कंडीशनिंग एजेंट, दैट इज अ सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट शुड बी यूज एट द प्लेस ऑफ Na2CO3, दैट इज अ बेटर कंडीशनिंग एजेंट। ये थोड़ा महंगा होता है, बट इट इज अ बेटर कंडीशनिंग एजेंट एज कम्पेयर टू Na2CO3। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट की फेवरेबल कंडीशंस भी कर दी, प्रिवेंशन भी कर दी, कॉज एंड इफेक्ट भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, एंड डेफिनेशन भी कंप्लीट कर दी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अबाउट दिस बॉयलर ट्रबल टॉपिक, प्लीज राइट डाउन योर चैट। कल से हम सॉफ्टनिंग मैथड स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। Write down in your chat if you are having any trouble for the topic favorable condition ke second point ko explain kare. सेकेंड पॉइंट के अंदर टैन इन लीकेज एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब भी पानी का मटका है, मेरे घर पे पानी का मटका है, ठीक है, मिट्टी का बना होता है, उसके अंदर कल क्या हुआ, मैं तांबे का लोटा छोड़ रही थी, तो छोड़ते समय क्या हुआ, तांबे का लोटा जो तेजी से गिर गया, तेजी से गिर गया, तो क्या हुआ, जो बॉय जो पानी का मटका था उसमें हल्का सा तड़ आ गया। अभी वो तड़ जो आ गया ना बेटा, उसकी वजह से क्या हुआ, पानी रिसने लग गया वहां से, वो मटका कमजोर हो गया, पानी रिसने लग गया। अभी मैंने क्या किया, मैं सीमेंट लिया थोड़ा सा और सीमेंट के अंदर पानी मिला के उसको हल्का हल्का सा अंदर से और बाहर से सीमेंट लगा दिया, तो उसने क्या कर दिया, रिसना बंद कर दिया। तो व्हाट इज अ वे कि हमारे पास में जो अनइवननेस डेवलप हो गई थी उसको मैंने क्या कर दिया, ये सीमेंट जैसा ही एक मटेरियल होता है, टैनिन एंड लिग्निन और सोडियम सल्फेट जो होता है एकदम बारीक सा पाउडर होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, उन क्रैक्स के अंदर फिल कर दे, पेस्ट बना के फिल कर देते हैं। जब भी फिल कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर अनइवननेस जो होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो दिस इज अ वे बाय विच वी कैन डू हेयर लाइक क्रैक्स जितने भी आ रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जब उनको रोक देंगे तो बट नेचुरल है हमारे पास में एनोडिक कैथोडिक एरियाज जो है डेवलप नहीं होंगे। ओके बेटा, इफ यू वांट टू डिक्टेट यू कैन डिक्टेट। बहुत से लोगों ने तो कल मेरे को, पांच लोगों का तो मैंने एविलेशन भी कर दिया है, उन लोगों ने सभी ने क्या किया था, फेवरेबल कंडीशन का सेकेंड पॉइंट, presence of compounds like sodium silicate. Sodium silicate क्या होता है बेटा, ये surface tension को कम करता है, silica के जितने भी compounds होते हैं वो क्या करते हैं, surface tension को कम करते हैं, as well as when they are reacting with the water they are producing NaOH, NaOH को produce करते हैं, that's why we have to reduce presence of the compounds like sodium silicate, that is plus NC का मतलब होता है presence, right? ओके कल वाले जो आप लोगों ने मतलब जो मेरे को सबमिशन दिया था असाइनमेंट का, वन और टू पर्सन आर लाइक दैट, जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, वो टॉपिक्स लाइक यूनिट ऑफ हार्डनेस विच आर नॉट इन योर सिलेबस, तो जो मैंने नोट शेयर किए थे उसमें से वो भी उतार दिए थे, मतलब कॉपी पेस्ट का काम किया था। तो डोंट डू लाइक दैट, क्लास जो चल रही है बेटा, तो क्लास के अंदर आप लोग प्लीज यहाँ पर रहें, जिसकी वजह से क्या हो कि आप लोग क्लास के नोट्स जो है डिक्टेट करते जाए, मेन पर्पस ऑफ दिस क्लास इज टू आप लोगों को लर्न हो जाए, चीजें समझ में आने लगे, अदरवाइज यू कैन प्रिंट आउट तो कहीं से भी निकाल सकते हो आप, पीडीएफ फॉर्म के अंदर दिया हुआ है मैंने, प्रिंट आउट कभी भी निकाल लोगे आप, यहाँ आप जब पढ़ रहे हो साथ में, तो वेन यू आर डिक्टेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, आपके जो हाथ को लिखने का, दिमाग को सुनने का, आंखों को देखने का, सभी को आप काम दे रहे हो, तो इट इज ईजी टू लर्न, वेन यू आर वापस पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज द मोटो ऑफ दिस क्लास, ओके, तो अच्छे से आप इसको लिखें और पढ़ें, और मेनी ऑफ देम आर यूजिंग टू कलर्ड पेन, बट मेनी ऑफ देम नॉट यूजिंग, इफ यू आर यूजिंग टू कलर्ड पेन इट इज वो आपके जो प्रेजेंटेशन है कॉपी के अंदर उसको इफेक्ट करता है, तो प्लीज यूज टू कलर्ड पेन इफ इट इज पॉसिबल अवेलेबल एट योर होम। और ये प्रैक्टिस में अभी से ले आओगे ना डेली क्लास के अंदर, तो इट इज इजी फॉर यू टू राइट डाउन एग्जाम के, हम सोचते हैं केवल एग्जाम में उसको अच्छा सा ज्यादा जाके लिखेंगे, पर जब हम एग्जाम में केवल करते हैं ना तो उस समय हम इतना अच्छे से कर नहीं पाते हैं बेटा, तो उस समय हम लोगों को क्या होता है, एग्जाम में यदि हमें अच्छे से करना है तो प्रैक्टिस अभी से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यू विल डू डेली प्रैक्टिस फॉर दैट। ओके यश चौधरी इज राइटिंग थोड़ा नहीं तो
इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? हाँ, वी आर यूजिंग अनादर, मतलब सिलिकेट जो है उनको रिप्लेस करके अदर सिलिकेट्स की जगह कुछ और कंपाउंड यूज कर लो, बिकॉज जब भी मटेरियल बन रहा होता है लाइक क्वार्ट्स, क्वार्ट्स क्या है आपके पास में, इट इज अ सिलिका, ये भी सिलिका ही है, व्हाइट सिलिका होती है वो, तो इसकी जगह हम सोडियम सिलिकेट के सिवाय, सोडियम जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम सोडियम को हटा के उसकी जगह अदर सिलिकेट यूज कर सकते हैं। ओके, क्लास को खत्म करें बेटा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा टॉपिक। कल की क्लास में टाइम से मिलते हैं हम लोग। कल की क्लास के अंदर बॉयलर ट्रबल कंप्लीट पढ़ के आएंगे, कोई भी क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ। एंड टिल सैटरडे यू हैव टू सबमिट योर बॉयलर ट्रबल्स नोट्स ऑल्सो, बॉयलर ट्रबल के नोट्स भी असाइनमेंट 2 करके मैं उसमें डाल दूंगी और आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इफ यू आर नीड मोर टाइम प्लीज मुझे मैसेज कर दो, तो मुझे पता पड़ जाए कि आपको और टाइम चाहिए। बट अपने क्लास के अंदर नोट्स साथ साथ में बनाए, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मोर टाइम इज रिक्वायर्ड। एंड दोज हु आर सबमिटिंग आफ्टर द डेट ऑफ सबमिशन, तो उनके 2 नंबर कम हो जाएंगे, दे आर इवेल्यूएटिंग बाई 8 और 9। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे बेटा। क्या टाइम हुआ है? 10:10 में। अच्छा लिसन, वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर ना, वन मोर थिंग, यू ऑल हैव टू प्रे, आप सभी को प्रे करनी चाहिए, बिकॉज अभी बहुत से लोगों ने, सभी के घर में सिचुएशंस बहुत डिस्टर्बिंग चल रही है, मेनी ऑफ देम के घर पे कोविड पेशेंट्स हैं, पॉजिटिव आए हुए हैं, तो आप लोग प्लीज गॉड से प्रे करें अपनी अपनी लैंग्वेज में, जैसे प्रार्थना करते हो बेटा वैसे प्रार्थना करो, और भगवान से बोलें कि ये सिचुएशन जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। जिनके घरों के अंदर कोविड पेशेंट्स हैं, जिनके उन्होंने अपने रिलेटिव्स को खो दिया है, उन सभी को भी प्लीज भगवान मदद करे, और अब जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं एटलीस्ट वो अपने घर वापस आ जाए। प्लीज प्रे फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। ओके, क्या बेटा? व्हेन द सिचुएशन कंट्रोल्ड, कोविड कंट्रोल होगा तभी हो सकता है बेटा ये सब चीजें। मेनी ऑफ देम के घर पे प्रॉब्लम चल रही है, मेनी ऑफ देम विच आर नॉट यूजिंग क्लासेस, मैंने उनको मैसेज किया तो मुझे पता पड़ा कि उनके घर में कोविड पेशेंट्स चल रहे हैं, सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आसपास अपने घर वालों का अपना ध्यान रखें, और प्रार्थना करें कि सिचुएशन जो है फटाफट चली जाए, ताकि अब और किसी का कोई लॉस ना हो। ओके, गुड बाय बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।